आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। इन इलाकों में हर साल किसी न किसी को नदी पार करते समय बह जाना आम बात हो गई है। पिछले 10 दिनों से कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश इन इलाकों के नदी नाला उफान पर है। ऐसे में जिन नदी में पुलिया बन गया है वहां कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन नदी नालों में पुलिया नहीं बना वह बरसात में आफत बन जाता है। जिसमें से एक नदी है कुरनेर नदी। कुरनेर नदी में पुलिया नहीं बना है, वह रपट बना हुआ है। हालांकि बारिश से रपट के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। कुरनेर नदी से उस पार कई गाँव बसे है। बरसात में यह नदी इलाके के गाँव में उन ग्रामीणों के लिए कोई आफत से कम नहीं। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर में बसे लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बारिश के कारण कुरनेर नदी उफान पर है। दिन में कई ग्रामीण रोजमर्रा की सामग्री के लिए नदी पार करते नजर आते हैं। यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उफनती नदी पर जिस तरह ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज कुरनेर नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टला। चार युवक मोटरसाइकिल को लेकर नदी पार कर रहे थे और दूसरे ओर से टीने की डोंगी में सवार होकर तीन लोग आ रहे थे। ऐसे में तेज बहाव वाले स्थान पर आपस में टक्कर हो गई जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वे कुल 6 लोग नदी में बह गए। लेकिन इस घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ दूर बहने के बाद पास खड़े ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। बरसात में हर वर्ष नदी में इस प्रकार का अप्रिय घटना होते रहते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। नदी के दूसरे छोर पर लगभग छोटे बड़े 50 गांव बसे हैं। यहाँ के ग्रामीण हर साल बारिश में इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसा करना मानो जैसे इनकी आदत बन गई है। इस नदी पर पुल की आधारशिला कई बार रखी जा चुकी है और इस वर्ष निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। प्रशासन के सुस्त रवैयों का नतीजा है कि रोजाना ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। जरूरी सामग्री के लिए नदी पार करने की मजबूरी बरसात में खेतीबाड़ी का समय है। ग्रामीणों को हर जरूरी सामान या किसी जरूरी काम के लिए नदी पार कर दूसरे छोर पर बाजार या पखान दूर आना पड़ता है। बारिश के दिनों में जैसे ही कुरनेर नदी का जलस्तर बढ़ता है ग्रामीणों की जान पर संकट मंडराने लगता है। पखान दूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।